हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी स्कूल। टुडे आई विल टीच यू क्लास फर्स्ट इंग्लिश यूनिट टू चैप्टर द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू। सो चिल्ड्रन, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू। ये तीनों फ्रेंड्स हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर में है बबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बुलबुला। ये पानी का बुलबुला या फिर सोप वगैरह के झाग से भी ये बुलबुला बनता है, तो इसे बोलते हैं बबल। और सेकंड नंबर में है स्ट्रॉ, ये एक प्लास्टिक की नली या फिर घास फूस के डंठल को भी स्ट्रॉ कहा जाता है। और थर्ड नंबर में है शू, ये है एक जूता। तो ये तीनों फ्रेंड्स हैं, बबल, स्ट्रॉ एंड शू। आज हम इन तीनों की स्टोरी पढ़ेंगे। Listen and enjoy this story. Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. एक समय की बात है, एक बबल, एक स्ट्रॉ और एक शू रहते थे। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये तीनों फ्रेंड्स हैं, बबल, स्ट्रॉ एंड शू, जो कि एक साथ रहते थे। One day they went into the forest. एक दिन ये तीनों कहाँ गए? जंगल में गए। They came to a river और ये एक रिवर के पास आए। They did not know how to cross it। ये नदी को पार करना नहीं जानते थे। Cross means पार करना। They did not know how to cross it। इनको नहीं पता था कि नदी को कैसे पार करना है। The shoe said, Bubble, let us float on you। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है शू। तो ये बबल से बोल रहा है कि तुम अपने ऊपर बैठकर हमें पार करने दो, क्योंकि इन तीनों को नदी पार करना नहीं आता था। तो यहाँ पर शू ने बोला बबल से कि तुम हमें अपने ऊपर बैठाकर पार करने दो। नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। जो बबल है वो शू से बोलता है, नहीं, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। जो स्ट्रॉ है वो अपने आप को क्या करेगा, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला देगा। स्ट्रेच मीन्स फैलाना या खींचना, अपने आप को खींचकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला देगा। बैंक मीन्स नदी का किनारा। देन वी कैन क्रॉस द रिवर, तब हम जो रिवर है उसको क्रॉस कर सकते हैं। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो फिर स्ट्रॉ ने क्या किया, अपने आप को खींच कर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला दिया। वेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ इट ब्रोक, जब शू ने स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया नदी को पार करने के लिए, इट ब्रोक, जो स्ट्रॉ था वो टूट गया। द शू फेल इन टू द वॉटर विद अ लाउड स्प्लैश, जो शू था वो एक बड़ी सी आवाज़ के साथ नदी में नीचे पानी में गिर गया। जो स्प्लैश मीन्स क्या होता है, छपाक, लाउड स्प्लैश, जब पानी के अंदर कोई चीज़ गिरती है तो एक छपाक की आवाज़ आती है, जिसे इंग्लिश में स्प्लैश बोलते हैं। तो एक लाउड स्प्लैश के साथ जो शू था वो पानी में गिर गया। द बबल शूक एंड शूक विद लाफ्टर एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग, जो बबल था वो हंसी के साथ हिलने लगा या हिल हिल कर हंसने लगा जोर से, और क्या होता है उसके बाद वो एक बड़ी सी आवाज़ के साथ या जोर से फट जाता है। यहाँ पर आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्ट्रॉ है, जैसे स्ट्रॉ टूटता है तो शू नीचे पानी में गिर जाता है, और यहाँ पर ये बबल है और ये हंसते हंसते जैसे ही हिलता है और ऐसे ही ये फट जाता है। अब चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स हैं, हम उन्हें लर्न करेंगे। बैंक, बबल, ब्रस्ट, क्रॉस, रिवर, शूज, स्प्लैश। लेट्स रीड। आई कैन ब्लो बबल्स, मैं बबल्स उड़ा सकता हूँ। आई कैन वियर शूज, मैं शूज पहन सकता हूँ। अब हम वर्ड मीनिंग्स करेंगे। बबल, बबल मीन्स अ बॉल ऑफ एयर और गैस, बुलबुला, एक एयर या गैस की बॉल। स्ट्रॉ, अ ड्राई स्टॉक, नली, कोई पाइप या फिर कोई डंठल, उसे बोलते हैं स्ट्रॉ। क्रॉस, गो थ्रू, किसी चीज़ को पार करना, जैसे स्ट्रॉ के थ्रू शू क्या कर रहा था, नदी को पार कर रहा था, गो थ्रू, पार करना। फ्लोट, टू मूव ऑन वाटर और एयर, तैरता हुआ किसी चीज़ में, नदी या किसी पानी में तैरना, उसे बोलते हैं फ्लोट। स्ट्रेच, टू मेक लॉन्गर, खिंचाव, किसी चीज़ का खिंचाव, किसी चीज़ को खींचना, उसे बोलते हैं स्ट्रेच। बैंक, द साइड ऑफ द रिवर नियर द लैंड, नदी का किनारा, बैंक मीन्स नदी का किनारा। जम्प, फेल ऑन, कूदा, जम्प की सेकेंड फॉर्म है जम्प, जम्प मीन्स कूदना, जम्प मीन्स कूदा, जैसे शू
उसमें स्ट्रॉ में कूदा. स्प्लैश द साउंड ऑफ वाटर हिटिंग समथिंग, पानी की छपाक. स्प्लैश मीन्स पानी की छपाक. नेक्स्ट है रीडिंग इज फन. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 3 फ्रेंड्स, तीनों दोस्तों के नाम बताओ. आंसर, द 3 फ्रेंड्स आर द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू. तीनों दोस्तों के नाम बबल, स्ट्रॉ और शू हैं. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड दे गो वन डे, वे एक दिन कहाँ गए. आंसर, वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट, वे एक दिन जंगल में गए. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड दे वांट टू डू, वे क्या चाहते थे. आंसर, दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर, वे रिवर को क्रॉस करना चाहते थे. नेक्स्ट है लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू मेक बबल्स, आप बबल्स कैसे बनाते हो. आंसर, वी कैन मेक बबल्स बाय ब्लोइंग द एयर विद द होलो स्ट्रॉ इन द वाटर. हम होलो स्ट्रॉ क्या होता है, खोखली एक स्ट्रॉ होती है जो पाइप होती है, उससे फूंक मारकर पानी में बबल्स बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू वियर ऑन योर फीट, आप अपने पैरों में क्या पहनते हैं. आंसर, आई वियर सॉक, शूज, स्लीपर, सैंडल्स एक्सेट्रा ऑन माय फीट. मैं अपने पैरों में सॉक, शूज, स्लीपर, सैंडल्स और भी चीज़ें पहनता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर, आप रिवर को क्रॉस कैसे करोगे, आप नदी को पार कैसे करोगे. आंसर, आई वुड क्रॉस अ रिवर विद द हेल्प ऑफ अ बोट, मैं बोट की हेल्प से नदी को पार करूँगा. नेक्स्ट है लेट्स शेयर, पुट दीज डूइंग वर्ड्स इनटू द सेंटेंसेज. यहाँ पर कुछ एक्शन वर्ड्स दिए हैं. डूइंग वर्ड्स मीन्स एक्शन वर्ड्स, जिनमें कोई एक्शन हो रहा होता है उन्हें बोलते हैं डूइंग वर्ड्स. तो यहाँ पर 4 डूइंग वर्ड्स दिए हैं, जंप्ड, शूक, स्ट्रेस्ड, बस्ट. और हमें नीचे दिए गए सेंटेंसेज में इनको पुट करना है. तो फर्स्ट नंबर में है द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. जो स्ट्रॉ था उसने अपने आप को क्या किया था, स्ट्रेस्ड. तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नंबर में स्ट्रेस्ड. सेकंड सेंटेंस है द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ. शू ने क्या किया था, जंप्ड किया था स्ट्रॉ पे, तो यहाँ पर लिखेंगे जंप्ड. सेकंड नंबर में हम लिखेंगे जंप्ड. थर्ड है द बबल डैश एंड डैश विद लाफ्टर एंड डैश विद अ बिग बैंग. जो बबल था उसने क्या किया, हिल हिल कर वो हंसा एंड बस्ट विद अ बिग बैंग और जोर से फट गया. तो हम फर्स्ट नंबर में एंड सेकंड में लिखेंगे शूक और लास्ट में लिखेंगे बस्ट. द बबल शूक एंड शूक विद लाफ्टर एंड बस्ट विद अ बिग बैंग. नेक्स्ट है लेट्स ड्रॉ, चलो ड्रॉ करते हैं. ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टैडपोल. टैडपोल क्या होता है, बेबी फ्रॉग. जो फ्रॉग का बच्चा होता है उसे बोलते हैं टैडपोल. तो हम यहाँ पर इसे इसकी जर्नी को ट्रेस करेंगे. सबसे पहले जो टैडपोल है वो कैसा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये है. और ये पडल में रहता है. पडल किसे बोलते हैं, एक छोटा सा ताल या फिर गड्ढा. तो यहाँ से हम इसे ट्रेस करेंगे इस तरीके से, ऐसे. ये कहाँ जाता है, रिवर में. फर्स्ट नंबर में है पडल. सबसे पहले जो टैडपोल होता है वो पडल में होता है. सेकंड नंबर में फिर वो पहुँच जाता है पॉन्ड में, तालाब में. और फिर उसके बाद लेक, झील में. और उसके बाद रिवर. और फिर लिखा है आई एम अ फ्रॉग नाउ. अब उसके बाद वो क्या बन जाता है, फ्रॉग. ये किसकी जर्नी को बताया, टैडपोल की जर्नी. जब वो बच्चा होता है तो पडल में होता है, फिर पॉन्ड, लेक एंड रिवर. उसके बाद वो रिवर में जाता है. नेक्स्ट है ड्रॉ द बबल्स, ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड. यहाँ पर कुछ बबल्स दिए हैं और उनके अंदर लेटर्स लिखे हैं. हमें सबसे पहले बबल्स ड्रॉ करने हैं. यहाँ पर हम बबल्स ड्रॉ करेंगे और इनके अंदर ये लेटर्स लिखे हैं. इनको ऐसे ट्रेस करेंगे और फिर बोलेंगे ए. जैसे इसके अंदर ए लिखा है तो हम जोर से बोलेंगे ए. ऐसे ही हम ये बबल ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर लिखा है सी. इसे ट्रेस करेंगे और बोलेंगे सी. और बी. ऐसे ही हम सारे बबल्स ड्रॉ करके उनके अंदर जो लेटर्स लिखे हैं उनको ट्रेस करके जोर से बोलेंगे. यहाँ पर एक पोएम है, इसे हमें गाना है. हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, रन अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी, बेंड अ लिटिल, स्ट्रेच अ लिटिल, नॉड योर हेड,
yawn a little, sleep a little in your bed. Next है think time. Look at these objects, put them into a tub of water, say which one will float and which one will sink. Look at these objects. यहाँ पर कुछ objects दिए हैं, इन्हें देखना है. Put them into a tub of water. इन्हें पानी के टब में डालना है. Say which one will float. और कौन सी चीज़ फ्लोट करेंगी और कौन सी सिंक करेंगी, ये हमें पता करना है. तो इसके लिए हम एक टब में पानी ले सकते हैं और आसपास हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. तो फर्स्ट नंबर में है रिबन. तो रिबन क्या होता है, पानी से हल्का होता है. जो चीज़ें पानी से हल्की होती हैं वो क्या करती है, पानी में फ्लोट करती हैं. तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट. और फेदर भी हल्का होता है तो ये भी पानी में फ्लोट करेगा, तो हम लिखेंगे फ्लोट. और मार्बल क्या होता है, भारी होता है. जो पानी से भारी चीज़ें होती हैं वो पानी में डूब जाती हैं, सिंक कर जाती हैं. तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस सिंक. और लीफ भी हल्की होती है, फ्लोट. और स्टोन सिंक. स्टिक्स, अगर स्टिक लकड़ी की है तो वो भी फ्लोट करेगी. और पेपर फ्लोट. स्ट्रॉ फ्लोट. सूज सिंक करेंगे. स्पून अगर प्लास्टिक की है तो फ्लोट करेगी, अगर स्टील की है तो सिंक करेगी. इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी और कौन सी सिंक. नेक्स्ट है लर्न टू राइट, ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द राइम लाउड. इसके नीचे एक राइम दी है, इसको हमको बोलना है ज़ोर से. और जो ये वेल दिया है इसको हमें ड्रॉ करना है. इसके चारों तरफ क्या दिए हैं, डॉटेड लाइन दी है, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे. ऐसे हम वेल को ड्रॉ करेंगे. ऐसे ही इसके बीच में भी ये डॉटेड लाइन्स दी हैं, इन्हें भी हम ड्रॉ करेंगे. ऐसे आप अपनी बुक में ड्रॉ कर सकते हैं. देन नीचे एक पोएम है, इसे हम गाएंगे. अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल. सो चिल्ड्रन, आज हमने स्टोरी पढ़ी द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.